तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। ये वीडियो बहुत ही खास है। अगर कोई रैबिट पाल रहा है और उसको उसके बच्चे कैसे पालने हैं, अगर बच्चे हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम आ रही है स्मेल से रिलेटेड, घुमाने, फीडिंग, जो भी है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब कुछ मिलेगा, पूरा निचोड़। और मैंने पूरी डे बाई डे इसकी रिकॉर्डिंग की है, बच्चे भी हुए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरे रिलेटिव के पास तीन रैबिट हैं, इसमें एक मेल है और दो फीमेल हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पे पीछे जो बैठी हुई है वो फीमेल है, और जिसके ब्लैक कान पे है थोड़ा सा वो मेल है, और ये दूसरी वाली फीमेल है। तो ये इसके कान पे ब्लैक नहीं है, ये पूरे ही एल्बिनो हैं ये जो रैबिट हैं, जिनको लैब रैबिट भी कहा जाता है। ये एल्बिनो है, रेड आइज, और बस इन पर निशान के तौर पर कलर लगाया था। ये देखिए अंगड़ाई ले रहा है। और उसमें जो पीछे बैठी हुई है फीमेल, वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चे देने वाली है। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आज संडे था जब मैं इसको वीडियो बना रहा था, तो शायद ये मेरे ख्याल से दो तीन दिन के अंदर दे देगी, या फिर क्या पता एक दो दिन में ही दे दे, क्योंकि देखकर इसको लग रहा है कि ये बच्चे जल्दी दे सकती है। तो अगर आपकी गिनी पिग या फिर आपका रैबिट या फिर रैट, हैमस्टर, कोई भी पहली बार बच्चे देने वाला है, तो हो सकता है लीटर साइज़ कम हो, वो कम बच्चे। कभी कभी ये एनिमल्स जब पहली बार बच्चे देते हैं तो कम बच्चे भी हो सकते हैं, दो या तीन भी हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये पूरी वीडियो बनाई थी और मुझे रिज़ल्ट वैसा ही मिला, और अभी मैं इनको निकालूंगा बाहर घूमने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें मेल और फीमेल, अगर आपको देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं रैबिट्स में। बहुत कम लोगों को पता होता है कि रैबिट्स में मेल फीमेल कैसे देखें, और बड़े रैबिट्स में मेरे ख्याल से मेल फीमेल देखना बहुत आसान है, तो लेकिन सबसे मुश्किल होता है छोटे रैबिट्स में देखना, क्योंकि आप जब बचपन से रैबिट पालते हैं तो वो आपके ज़्यादा पालतू होते हैं, वो आपको ज़्यादा समझते हैं, फैमिली में हर एक इंसान को समझ जाते हैं। अब जैसा कि मैं अपने रिलेटिव के आया हूँ और ये रैबिट्स मुझे दूसरी बार देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके लिए थोड़ा सा अनजान हूँ और ये बाहर नहीं निकल रहे। अब मैं अगर गेट खोल के थोड़ा सा दूर हो जाऊँगा तो ये धीरे धीरे निकलेंगे। देखिए सबसे पहले ये एक फीमेल बाहर आई है, और ये दूसरा है, ये मेल है, और अभी भी जो बच्चे देने वाली फीमेल है वो अंदर है, तो वो ख़ुद को सेफ़ नहीं महसूस कर रही है मेरे आने से, इसलिए वो पिंजरे के अंदर है, लेकिन वो भी थोड़ी देर बाहर आ जाएगी जब देखेगी कि बाकी घूम रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे घूमना फिरना शुरू कर दिया है, और वहाँ वो फीमेल अंदर ख़ुद को साफ़ करने में लगी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शायद केज छोटा पड़ जाए, ये अब फीमेल भी बाहर आ गई है, और आप देखिए इसकी बॉडी स्ट्रक्चर आप देख के समझ सकते हैं कि ये बच्चे देने वाली है। इसका पेट थोड़ा सा उभार है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, तो शायद ये कम बच्चे दे, लेकिन ऐसे देखकर पता लग सकता है कि ये बच्चे देने वाली है। और जो दूसरी फीमेल है वो जैसा कि आप देखिए ये बैठी हुई है, ये जो लेटी हुई है ये भी एक फीमेल है, लेकिन ये कितनी स्लिम ट्रिम है इसको देखकर पता लगा सकते हैं कि ये बच्चे नहीं देगी। और ये जो बच्चे देने वाली है इसका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, और जब ये बच्चे देगी तो ये अपने फर नोच के उसके अंदर बिखेरना शुरू कर देगी। तो संडे का दिन था जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था, और अब देखेंगे आगे कि ये कितने दिनों बाद बच्चे देती है। तब तक मैं इनको घुमा लेता हूँ यहाँ पे और आपको इनकी एक्टिविटी दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा शांत, और ये चौकन्ने हैं कि यहाँ पर कैमरा लेकर कौन बैठा हुआ है और कौन वीडियो बना रहा है। तो ये बार बार मेरी ओर आते हैं, मुझे देखते हैं और फिर दूर भाग जाते हैं। और देखिए वहाँ पे मेल अपने में ही बिजी है। तो आपको एक और बात ध्यान रखने वाली है, अगर आपकी फीमेल रैबिट बच्चे देने वाली हो तो उसको आपको छेड़ना नहीं है, क्योंकि वो उस समय थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप अपनी फीमेल को पकड़ते हैं तो बहुत ही ध्यान से, बहुत केयरफुली आपको उसको पकड़ना है, आपको काफ़ी अच्छे से होल्ड करना है ताकि बच्चों को नुकसान ना हो और वो भी इरिटेट ना हो, क्योंकि अगर इरिटेट होगी तो वो जाहिर सी बात है आपको काट लेगी, और जहाँ आपके पेट ने आपको काटा तो आपकी और उसकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसे ही पकड़ना है, और यहाँ पेट के बाल आप देख सकते हैं ये बिखरे हुए हैं, ये निशानी है कि आपकी रैबिट बच्चे देने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक 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 मिनट, ये भाग गई, ये देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं निपल्स, यानी कि मेमरी ग्लैंड्स में जो उभार होता है उसे निपल्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये देखिए ये उभरे हुए हैं क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे ओ ये वापस बैठ गई,
और ये थोड़ी सी गुर्रा रही है और मैं इसको और नहीं परेशान करने वाला, और बच्चों की किक मैं हाथ पे फील कर सकता हूँ, तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको छोड़ दूँगा, क्योंकि कभी भी बच्चे हो सकते हैं, किक बहुत ज़ोर से आ रही है और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, उस दिन जब मैं इसकी वीडियो बना रहा था और अगली रात मुझे कॉल आया और ये बच्चे दे चुकी थी, और अभी अभी मैं आके यहाँ पर देख रहा हूँ तो उसने 3 बच्चे जन्म दिए हैं, जिसमें से एक को उसने खुद ही दबा के मार दिया, और ये काफ़ी दुख वाली बात है और बहुत बुरी तरीके से इसने बच्चे को मारा है। ये काफ़ी अग्रेसिव हो गई है, और रैबिट्स और रैट में ऐसा अक्सर होता है, हैमस्टर्स में भी देखा गया है लेकिन बहुत कम। तो यहाँ मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, और ये देखिए ये बाहर तो आ रही है लेकिन इसकी जो वाइब्रेशन है वो बता रही है कि ये अभी भी अग्रेसिव है। देखिए पीछे 2 बच्चे हिल रहे हैं और ये बीच वाला बच्चा अभी आराम से पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से मर गया, क्योंकि जो रिलेटिव हैं वो बता रहे थे कि ये बच्चा बचा नहीं है, ये मर गया। तो अभी इस बच्चे को हम हटाएंगे, पहले ये फीमेल बाहर आ जाए। यहाँ ये देखिए फीमेल वापस अंदर जाने के लिए कोशिश, और ये अंदर चलेगी, और ये देखिए ऐसे ही दबा के फीमेल्स अपने बच्चों को मार देती हैं, इसीलिए मैं अब इनको हटा दूँगा। पहले इनको फीड कराना ज़रूरी है, तो फीड कराते हैं पहले इनको निकाल के। तो मुझे ये बेस्ट तरीका लगा, मैंने पहले भी ऐसे रैबिट्स को फीड कराया है, और यहाँ पे देखिए ये बैठ के आराम से, और बच्चों को मैंने इसके ऊपर लिटा दिया, ये आराम से दूध पीते रहेंगे इसमें, और यहाँ पे और भी ऐसे मेमोरी ग्लैंड्स होंगे जिसको हम निपल्स कहते हैं, जिसमें से वो दूध पीते रहेंगे। तो ऐसे मेरे ख्याल से 6 होते हैं, और अभी ये 2 में आराम से पी रहे हैं, और ये रैबिट भी आराम से लेटी हुई है। तो आराम से अगर लेटी है तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि ये दोबारा अग्रेसिव नहीं हो सकती। आप बच्चों को देख सकते हैं कैसे इन पर पंजों के निशान हैं, नाखून धंसे हुए हैं, तो ये बच्चे अपनी जान गंवाएं, इससे अच्छा हम इनको अलग रखेंगे, टाइमली फीड कराते रहेंगे, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन की बात है। तो चलिए इनको अब मैं साफ़ करता हूँ पहले। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जैसे कि मैं यहाँ पे बच्चों के पीछे, यानी कि जहाँ से वो पॉटी करेंगे वहाँ पे मैं ऑयल लगा रहा हूँ, ये है सरसों का तेल, और इसको लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये बाई चांस जब ये पॉटी करेंगे तो करने के बाद वो चिपके ना, और चिपक गई तो वो वहाँ जम जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चों को। और इसने पूरी तरीके से बच्चों को साफ़ नहीं किया, दूसरे वाले बच्चे पे तो और भी ज़्यादा गंदगी है, तो मैं उसे भी साफ़ करूँगा, और उसे कैसे साफ़ करना है मैं वो भी दिखाऊँगा। दूसरे वाले बच्चे में थोड़ी ज़्यादा गंदगी नज़र आ रही है, इसको भी साफ़ करेंगे, और साफ़ सफ़ाई इसलिए ज़रूरी है बच्चों के लिए क्योंकि इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल सकता है, इन पर ब्लड भी लगा होगा, और पता नहीं किस तरीके से इसने सफ़ाई की होगी या नहीं की होगी, तो ये भी ज़रूरी है। तो मैं अब दूसरा वाला उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये बैक साइड आप देख सकते हैं, ये जो भी पूप होती है रैबिट्स की वो इस पर अभी भी चिपकी हुई है, यानी कि ये डिलीवरी के साथ टाइम से ही चिपकी हुई है, गीली है लेकिन काफ़ी चिपचिपी है ये। तो इसको तरीका ये है छुड़ाने का, आप भी ऐसा यूज़ करिएगा, नॉर्मल पानी लें और उसको धीरे धीरे उंगलियों से लगा के छुड़ाएँ, एक बार में ना खींचे वरना इसकी खाल फट सकती है, क्योंकि ये बहुत बारीक खाल है, अगर मच्छर भी काट लेगा तो ये मर सकते हैं, इसलिए बहुत नाजुक तरीके से इसको हटाना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और ये पानी लगाने के साथ साथ हटता जा रहा है, तो अब मैं इसको पानी लगा के छुटा देता हूँ, और वापस बच्चों को हम रखेंगे नरम बिस्तर पे, और वो बिस्तर कैसा बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसने पूप हटाने के बाद भी वापस पॉटी की है, तो ऐसे पहुँचने के बाद, क्योंकि पानी से ठंडा ना लगे, हम इसकी भी ऑयलिंग करेंगे, ऑयलिंग यानी कि सरसों के तेल से इसके पीछे के हिस्से को जहाँ ये पूप करेंगे वहाँ पर हमें अच्छे से लगाना है। तो ऐसा हम सभी जीवों के साथ करते हैं, कई बार बर्ड्स में भी ऐसा करना पड़ता है जब आप पहली बार लाते हैं कोई बड़ी बर्ड हो। तो अब इसको साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं इन्हें अंदर रख दूँगा, और सोच तो रहा हूँ कि वापस मैं इनको केज में डाल दूँ, लेकिन वापस केज में डालना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं इनकी अलग से बेडिंग करूँगा, वहाँ पर एक नेस्टिंग करके वहाँ मैं उस पर रखूँगा इसको, और टाइमली हम फीड कराते रहेंगे जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी वीडियो में। और मैं एक और बार आपको फीड करा के दिखा देता हूँ कि वो तरीका काफ़ी कारगर है, वो बहुत अच्छा है, आराम से आपकी फीमेल बच्चे को दूध पिला भी देगी और आपका बेबी रैबिट पिएगा भी और टाइमली ग्रोथ कर जाएगा। तो इतने बड़े बच्चे क्योंकि अभी हुए ही हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको, 3-4 घंटे ही हुए हैं, तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे और काफ़ी अच्छा खासा साइज़ है इनका। ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर फीमेल को उल्टा किया है और इस बच्चे को रखा है, तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये पी रहा है और बहुत धीरे धीरे पी रहा है, और ये ऐसे ही स्लोली तरीके से पीते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये एक बार में ही पियेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पियेंगे और फिर उसके बाद वापस हट जाएंगे, आराम करेंगे, फिर आएंगे और फिर पियेंगे। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपका रैबिट मर गया बच्चे देने के बाद तो क्या करना है,
तो उस पर भी एक वीडियो लाऊंगा मैं, क्योंकि इन बच्चों को भी हम हैंड फीड कराएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, मिलेंगे फिर। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।